अवज़बल नशाहरिम रहीम टुडे आर टॉपिक इज़ सफ्टा दिस इज़ फॉर द क्लास ट्वेल्थ साइंस सफ्टा द फुल फॉर्म ऑफ सफ्टा इज़ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वट सफ्टा इज ऑल अबाउट एंड वन दिस सफ्टा एग्रीमेंट केम इन टू एग्जिसटेंस सो ये जो सफ्टा है सफ्टा का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब इस एग्रीमेंट में हुआ क्या था और ये एग्रीमेंट किसने किया सबसे पहले एग्रीमेंट याद रखिएगा दिस एग्रीमेंट एंड इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय द सारक कंट्रीज मैंने कहा था साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था उसके अंदर आठ कंट्रीज है मालदेव बांग्लादेश भूटान श्रीलंका पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया एंड नेपाल इन कंट्रीज ने एक इनिशियेटिव लिया और एक एग्रीमेंट किया उस एग्रीमेंट को कहते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इट मीन्स दैट एन एग्रीमेंट स्टार्टेड बाय द साउथ एशियन कंट्रीज इज कॉल्ड सिंपली वॉट साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक समिट हो जाता है सारक का ट्वेल्थ सारक समिट वो इस्लामाबाद के अंदर हो जाएगा उसी में इनिशिएटिव लिया जाता है कि सफ्टा एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा और जनवरी 6 2004 के अंदर सफ्टा एग्रीमेंट बन जाता है देन फाइनली इट केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट जनवरी 2006 थाउजेंड सिक्स द डिफरेंट कंट्रीज साइन इट दिस एग्रीमेंट लाइक द अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया नेपाल भूटान बांग्लादेश श्रीलंका एंड मालदाव मालदेव अफगानिस्तान साइनिडिटी इन 2011, थाउजेंड इलेवन वाइल एज पाकिस्तान इन टू थाउजेंड नाइन एंड इंडिया ऑल्सो इन टू थाउजेंड नाइन ये चीजें पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन के अंदर कि किस कंट्री ने किस ईयर में सफ्टा को रेटिफाई किया सो so, अफगानिस्तान 2011, थाउजेंड इलेवन पाकिस्तान टू थाउजेंड नाइन इंडिया टू थाउजेंड नाइन उसके बाद वट इज द मेन पर्पज ऑफ द सफ्टा द मेन पर्पज ऑफ सफ्टा इज द क्रिएशन ऑफ कॉमन मार्केट एंड एबॉलिशन ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ रिस्ट्रिक्शन हमेशा याद रखिएगा कि जो ये ट्रेड एंड टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं यानी हर एक कंट्री चाहती है कि वो आपस में ट्रेड करें बट देर आर सम सर्टन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड सो इन दिस एग्रीमेंट सफ्टा एग्रीमेंट ऑल द साउथ एशियन कंट्रीज डिसाइड टू रिमूव दैट रिस्ट्रिक्शन एंड रिमूव दैट टैरिफ रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सफ्टा इज इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन द साउथ एशियन कंट्रीज टू रिड्यूज द कस्टम ड्यूटीज ऑफ गुड्स यानी कस्टम ड्यूटीज जो होते हैं सिंपली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब कंट्रीज आपस में करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लग जाता है दैट्स नोन एज कस्टम ड्यूटीज सो इसके अंदर इन्होंने डिसाइड किया हम कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करेंगे जीरो तरीके से इन्होंने यह भी कहा है कि जो लीस्ट जो एग्जाम्पल के तौर पर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के स्पेशल नीड्स को कंसिडरेशन में लिया जाए यानी उनके ऊपर भी फोकस किया जाए सो दैट देयर इकोनमी वुड बी डेवलपड सो फर्स्ट फेज के अंदर इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका ने यह कहा कि हम 2007 तक 20 परसेंट टैरिफ रिड्यूस करेंगे 20 परसेंट और इसी तरीके से जो लीस्ट डेवलपड है नेपाल भूटान उनको एडिशन तीन साल दिए गए थे कि रिड्यूस टैरिफ करने के लिए जीरो परसेंट तक और इसी तरीके से ये जो पाकिस्तान ये जो ट्रीटी है ये जो एग्रीमेंट है सो so, अफगानिस्तान ने इसको साइन किया टू में जबकि पाकिस्तान ने इसको साइन किया टू में

It aims to open area of peace and cooperation between the South Asian by allowing free trade across the border. And simply free trade across the border was the main aim of the SAPTA. Second, first first thing. this case a Agreement that's known as the SAPTA, South Asian Preferential Trading Agreement. सफ्टा इज़ डिफरेंट बट सफ्टा इज डिफरेंट साउथ एशियन प्रशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट क्या होता है दाका के के अंदर अंदर एक समिट हो जाएगा 1993 अप्रैल के, के मंथ में और इसमें फिर डिसाइड किया जाता है कि हम एक सप्टा एग्रीमेंट बनाएंगे और फाइनली जो सप्टा वजूद में आ जाता है वह नाइनटीन नाइनटी मंथ में आ जाता है अंडर दिस एग्रीमेंट The member countries removed the qualitative and quantitative restrictions from their products for mutual trade. So पहले पहले क्या होता था कि ये आपस में अगर कम ट्रेड करते भी थे but ट्रेड होना क्वालिटेटिव चीज़ों में होता था quantity quantity जो होती थी वो मैटर करती थी बट इन दिस एग्रीमेंट दे ट्राई टू रिमूव द क्वालिटेटिव एंड quantitative रिस्ट्रिक्शंस उन्हें कहा कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस अब खत्म होने चाहिए और इस एग्रीमेंट को किसने साइन किया बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका अगेन द सारा कंट्रीज सो द मेन एम ऑफ द सप्टाओ इज टू प्रमोट एंड सस्टेन म्यूचुअल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑल द सारा कंट्रीज डिसाइड टू स्टार्ट टू इकोनॉमिक कॉपरेशन विद ईच अदर एंड टू प्रमोट द ट्रेड विद ईच अदर नंबर वन नंबर सेकेंड एक्सचेंज ऑफ ट्रेड कंसेशन यानी इन्होंने इन्होंने आपस में बात की एग्रीमेंट किया और ट्रेड कंसेशन बात की और स्टेप बाय स्टेप इन्होंने कहा कि हम नेगोशिएशन करते रहेंगे सो so दैट कि इनका ट्रेड जो है इनकी इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी डेवलप हो जाएगी इस सप्ताह के अंदर और एक चीज इन्होंने कही इंक्लूजन ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड कमोडिटीज यानी बिजनेस के अंदर जो ट्रेड होता है उसके अंदर सारे प्रोडक्ट होने चाहिए सारे कमोडिटीज होने चाहिए सो so, चाहे सप्टा की बात करें या सप्टा की बात करें सो टैरिफ जो था एक टैरिफ जो होता है टैक्स ऑन ड्यूटी टू बी पेड ऑन पर्टिकुलर क्लास ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ट्रेड का मतलब ही होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना सो so, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लग जाता है दैट टैक्स इज नोन एज कस्टम ड्यूटी सो उसको रिड्यूस करने के लिए और ट्रेड को ज्यादा बढ़ाने के लिए ताकि इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके दो एग्रीमेंट बन चुके थे एक एग्रीमेंट था सप्टा दूसरा था सप्टा होप सो कि यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर थैंक यू सो मच before concluding my topic i am requesting my well-wishers do not forget to subscribe my channel the name of my channel is oshin's origin of creative energies and new science started by dashokat do not forget to press on the bell icon thank you